एंट्री आप देख सकते होंगे, एक गेट इधर है और एक गेट इधर की साइड है। दो गेट तो मुझे भी दिख रहा है और अभी आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ये पूरा एक आंगन है, इसी तरह यहाँ चार आंगन है। ये किला है देखिए, तो ये मैंने मूवी में देखी थी, ऐसे असली में तो मैंने कभी नहीं। वाव बहुत मस्त लग रहा है पूरा भाई, अंदर तक पूरा फैला हुआ है बहुत बड़े में। तो ये गेट था जिधर से हम लोग आए हैं, ये आपका पूरा किला। और इस किले में लगभग 1010 कमरे हैं, 7 आंगन हैं इसी टाइप के जो बड़े बड़े आंगन, और 4 गेट बनाए गए हैं इस किले के अंदर। तो अभी ये काफ़ी बहुत अच्छा हालत में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन बहुत बुरा हालत में भी नहीं है। थोड़ा बहुत लगता है मेंटेन किया गया है। वहाँ पे भी देखिए पूरा घर की तरफ है। बताते हैं कि अभी भी राजा यहाँ पे शायद रहते हैं। देखिए भाई गजब लग रहा है, यहाँ आके एक अलग सा फीलिंग है। और क्या मतलब बनाया गया है इसको, ये नया बनाया गया होगा, ये अभी का नहीं है भाई। किला देखिए भाई, प्रवेश नो एंट्री, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है पूरा चारों तरफ। मैंने बताया ना यहाँ पे 1010 कमरे बनाए गए हैं। वो है गेट अपना, और जैसा कि आप देख सकते हो चारों तरफ का ये है व्यू है, और चारों तरफ यहाँ प्रोसेशन लगी हुई है भाई। तो देखिए मेरे पीछे अभी आप देख सकते होंगे, एक गेट इधर है और एक गेट इधर की साइड है। दो गेट तो मुझे भी दिख रहा है, और अभी आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ये पूरा एक आंगन है, इसी तरह यहाँ चार आंगन है, ठीक है। तो ये भी एक पूरा गेट है। अब यहाँ से हम लोग आए थे इस वाले गेट से, ये वाले से, अब इधर की से दिख रहा है, और अभी आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ये पूरा एक आंगन है, इसी तरह यहाँ चार आंगन है, ठीक है। तो ये भी एक पूरा गेट है। अब यहाँ से हम लोग आए थे इस वाले गेट से, ये वाले से, अब इधर की साइड जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक तोप भी है, चलिए आपको तोप दिखा देता हूँ। एक ये देखिए, ये भी एक तरीके की तोप ही है। क्या ये भैया तोप है? वाइस। और यहाँ पे कुछ रॉयल सा बनाया गया है डिज़ाइन। तो आपको भाई इस वीडियो में पूरी हर एक चीज़ यहाँ पे भाई दिखाने वाले हैं, मस्त। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक तोप ये है, आइए दिखाते हैं। बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना, 200-250 साल पुराना ये किला है। देखिए तोप, ये मैंने मूवीज में देखी थी, ऐसे असली में तो मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा ये वो वाला पार्ट, ये वाला चीज़ है, एक उसमें गोला डालो और यहाँ से ट्रिगर करो। ये मैंने मूवीज में देखी थी, ऐसे असली में तो मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा ये वो वाला पार्ट, ये वाला चीज़ है, एक उसमें गोला डालो और यहाँ से ट्रिगर करो। तो ये म्यूजियम टिकट है, संग्रहालय शुल्क 75-20-20-20।
चिल्ड्रेन 5 से 12 के लिए 20, अडल्ट के लिए 75 रुपया, बाकी स्कूल वाले के लिए 20 और डिफेंस के लिए 20। फॉरेन आएंगे तो उनको 200, उनको और लूटेंगे, तो जैसा आदमी वैसा लुटाएं। तो चलते हैं हम लोग अपना अपना टिकट ले लेते हैं। तो हमने टिकट ले लिया भाई, महाराजा बनारस विद्या मंदिर न्यास, 75 रुपये का टिकट है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, एंट्री इधर है, प्रवेश करते हैं एंट्री पे, ठीक है। हाँ, तो अंदर जाने से पहले भाई ये सूचना ज़रूर पढ़ लें, फोटोग्राफी मना है और वो सब चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलते हैं, अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आपको क्या दिखाया जा सकता है। तो अभी हम लोग भाई पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर लिए अंदर, लेकिन अलाउड नहीं था, तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप ले लिए थे जो आपको दिखाए होंगे। तो ये वो गेट है जहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उधर से आ रहे थे ना, तो मना कर रहा था, तो ये वो जाने का गेट है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये आंगन नंबर 2 है, बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ा। तो दूसरे नंबर गेट ये है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें भाई 1000 से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं चारों तरफ, और यहाँ बीच में अच्छा मेंटेन किया गया है, मतलब जितना मुझे लगता है मेंटेन कर सकते हैं लोग किए हैं, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी खर्चा लगता है, वो खर्चा कहाँ से आएगा। देख रहे हैं यहाँ कितने कमरे हैं, कितने कमरे, ये सब पूरा कमरा ही है चारों तरफ से। आपको एक पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ सेंटर से, यहाँ पर फिर फाउंटेन भी है। हाँ, ये भी पुराना ही लग रहा है। तो भाई क्या मस्त किला है भाई, क्या मस्त, मतलब इतना पुराना है, काफ़ी पुराने स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे लोग, ये मुझे लगता है कि मेन राजा का यहाँ पे रहा होगा दरबार शायद, और यहाँ के बाद वो एंट्री पॉइंट उधर से निकलने का, फिर वहाँ मेन गेट वहाँ पे है। तो यहाँ पे है वे टू गंगा घाट, अभी उधर जाएंगे, पहले एक बार इधर देख लेते हैं और थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं, क्या मस्त है भाई। आई होप कि आपको भी थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा। हेलो, जैसा कि भाई आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ, ये मेन शायद राजा का मेन वाला अंदर सेक्शन है जहाँ पे राजा लोग रहते होंगे। देखते हैं अभी, पूछते हैं, उनको पता तो है नहीं इतना, लेकिन एक बार कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी मस्त लग रहा है ये भी, आपको यहाँ से दिखता है नीचे की तरफ से। हेलो,
बाकी भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही मस्त बना है। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और एकदम पुराना वाला गेट लग रहा है, एकदम पुराना। क्या नक्काशी की गई भाई, डिजाइनिंग देखो इसके ऊपर। इधर भी एक गेट है, इधर सामने एक गेट है और इधर की साइड भी एक गेट है। उधर नहीं जाना है, तो उधर अंदर जाना अलाउड नहीं है। उधर अंदर जाने का है क्या, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, तो उधर अंदर अलाउड नहीं है हमें। तो अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं? इधर जा सकते हैं। चलो तो अब लेके चलते हैं भाई अब गंगा घाट की तरफ, वे टू गंगा घाट। बहुत ही सुंदर है भाई, मन कर रहा है कि यहाँ पे फोटो बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो। तो ये गंगा घाट जाने का रास्ता, सुरंगों से हम लोग होते हुए चलेंगे नीचे की तरफ। भाई यहाँ पे आना वर्थ है, बिल्कुल आएँ और देख के जाएँ, बहुत ही मस्त लग रहा है।